असलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू एक्सेलेंस ऑनलाइन। आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में उर्दू खुशखती को डिस्कस किया था, जिसमें आपसे अलिफ से लेकर हमने हुरूफ दर्जी लिखना सीखे थे। और जो हमने सीख लिया था उसे हम क्विक रिवीजन एक कर लेते हैं। हमने अलिफ को लिखना सीखा था कि ऐसे लिखा जाता है, बे स्टार्ट में डायगनल और फिर आखिर में जाके स्ट्रेट हो जाता है। फिर जीम के बारे में हमने कुछ रूल सीखे थे कि इसकी गोलाई इस तरह से होती है कि ये बराबर हो और ये इसके तीनों डिस्टेंस जो होते हैं बराबर होते हैं। फिर दाल के बारे में सीखा था हमने, रे, फिर सीन, और सीन का एक दूसरा स्टाइल भी सीखा था हमने, और उसके बाद स्वाद सीखा था। तो यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, अपनी लास्ट वीडियो में सीखा था। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, स्वाद और ज्वाद बिल्कुल एक ही तरह लिखा जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हिंदसा नेक्स्ट हमारे पास जो हर्फ आता है हुरूफ तहजी का, वो होता है तोई। तो तोई लिखने का तरीकेकार, जो गलत तरीका जो स्टूडेंट अक्सर इख्तियार करते हैं, वो होता है कि आप एक लाइन डालते हैं और इस पे इस तरह जोड़ देते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि ये समझ नहीं आता बाद में बाज़ों का एग्जामिनर को, ये आपने तो ही लिखा है या बी लिखा है, क्योंकि उसके साथ अगर ये ए और बी लिख दें तो ए बी सी बन जाएगा पूरा। लिहाजा ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। उसके बनाने का सही तरीक़ेकार क्या होता है, आप जैसे अलिफ लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, लेकिन लास्ट में आते हुए इसे आप थोड़ा सा टर्न कर देंगे, और फिर जैसे स्वाद बनाते वक्त आप शुरू करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे, और उसके बाद आप इसको दाल बनाने की तरह आप इसको ऐसे टर्न कर देंगे। तो इसे थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाता हूं मैं आपको। ये लाइन सीधा आएगी और यहां पर आकर टर्न हो जाएगी, और फिर जिस तरह स्वाद बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह होगा, और यहां पर आकर रे की तरह इसकी यहां पर नोक बना दी जाएगी। तो जिस तरह तोई लिखा जाता है बिल्कुल इसी तरह जोई भी लिखा जाएगा। अब बात करते हैं आइन की। आइन लिखने के लिए अगर एक बॉक्स के तरीके से समझाया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। जिस तरह ये बॉक्स बनाया मैंने, बिल्कुल इसी तरीके से आप यहां से स्टार्ट लेंगे और इस तरह बॉक्स बना दिया। उसके बाद जो जीम के रूल होते हैं वो सारे फॉलो होते हैं कि जितना डिस्टेंस इसका यहां से यहां तक होगा उतना ही डिस्टेंस यहां से यहां तक होगा। मैं आपको यहां पर दोबारा से बना के दिखा देता हूं। एक स्क्वायर बनाया आपने और उसके बाद इसी के यहाँ से गोलाई बिल्कुल जीम की तरह बना दी, इस तरह से कि जितना डिस्टेंस इसके सेंटर से यहाँ तक हो उतना ही दूसरे एंड तक हो। तो जिस तरह आइन लिखते हैं गाइन भी बिल्कुल उसी तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं फे की। तो फे लिखने का जो गलत तरीका अक्सर स्टूडेंट इख्तियार करते हैं, वो यहाँ से नीचे से शुरू करते हैं और ऐसे लिखते हैं, और कुछ लोग तो बिल्कुल ऐसे भी लिखते हैं। तो सही तरीका ये होता है कि आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लगाएं और जिस तरह एक ट्रायंगल बनाया जाता है वैसे ही बनाएं, और फिर नीचे इसको बे जोड़ दें, लेकिन ये ट्रायंगल के यहाँ पर एज में थोड़ी सी गोलाई होगी, यानी कि ऐसे किया आपने और फिर ये गोलाई आएगी और उसके बाद यहाँ से बे जोड़ देंगे आप, तो ये फे बन जाता है। तो आप फे लिखते हैं यहाँ पर। फे के बाद बाकी हरूफ लिखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है तो इसे हम इरेज करते हैं। तो फे के बाद काफ की बात करते हैं। काफ लिखने का तरीकेकार बिल्कुल यह कि अगर आप अलिफ और बे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं तो काफ भी बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि आपको पहले अलिफ बनाना है और उसके बाद इसके साथ नीचे बे जोड़ देना है, और उसके बाद आपने यहाँ जोड़ दिया। तो जिस तरह काफ है नुकते वाला काफ भी, आप जिस तरह फे की स्टार्टिंग लेते हैं बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे एक ट्राइंगल की तरह, लेकिन उसका जो टॉप एज होगा वो स्मूथ होगा, एज नहीं होगा, कॉर्नर नहीं होगा उसमें, और उसके बाद नीचे से आप नून जोड़ देंगे तो ये काफ हो जाएगा। तो लाम लिखने के लिए आप अलिफ लिखेंगे और उसके साथ नीचे एक नून जोड़ देंगे। मीम लिखने के लिए तरीकेकार ये होता है कि स्टूडेंट अक्सर यहां से शुरुआत करते हैं, ऐसे लिखते हैं, जो कि ये तरीका गलत होता है। मीम हमेशा यहां से शुरू होता है और फिर दोबारा यूं आता है, यानी कि अगर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करके लिखूं तो ऐसे होता है। तो इसके लिए आप ऐसे लिखें। नून की बात करते हैं, एक छोटा सा अलिफ बनाएंगे आप
और इसे गोल करते हुए लाएंगे आप। और इस बात का ख्याल रखना है, जैसे मैं नून भी आपको बड़ा सा बनाकर दिखा देता हूँ, ये इस तरह एज बनेगा, दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे। अगर आपने ऐसे बना दिया तो वो गलत होगा, ये हमेशा डायगनल में आएंगे। नून के बाद वाव, वाव के लिए जैसे फे की आप शुरुआत करते हैं बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, और उसके बाद नीचे इसके रे जोड़ देंगे। अब है की बात करते हैं, जैसे दाल लिखा करते हैं आप वैसे ही लिखेंगे, लेकिन इसे दोबारा वहीं लाकर जोड़ देंगे। जो दो चश्मे वाला है होता है उसके लिए आप पहले दाल लिखेंगे, इसे आगे ले जाएं, उसके बाद जहां इसको थोड़ा सा आगे ले जाकर इसके साथ स्वाद की जैसे शुरुआत करते हैं आप वो जोड़ना है, तो ये है बन जाएगा। हमजा के लिए आइन जिस तरह शुरुआत करते हैं, एक स्क्वायर टाइप की आप चीज बनाएंगे और इसे यहीं छोड़ दें, यानी इसको उसको गोल कर देंगे तो ये आइन बन जाएगा, और अगर इतना हिस्सा मिटा दें तो ये हमजा ही रहेगा। छोटिए की बात करते हैं, छोटिए के लिए आप थोड़ा सा आपको बड़ा बना के दिखाता हूं, पहले हमेशा ऐसे लिखेंगे आप, उसके बाद यहां से थोड़ा सा ये स्ट्रेट होने के बाद अब नून ऐड हो जाएगा, यानी कि ऐसे। छोटिए के बाद बड़िए की बात करते हैं, बड़िए लिखने के लिए गलत तरीका ये होता है कि स्टूडेंट जब इसे यहां लाते हैं तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट ले आते हैं और फिर इसको यूं करके दोबारा यहीं से स्ट्रेट ले जाते हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन रख लेते हैं, ऐसा जबकि नहीं होता, ये ऐसे आता है, डायगनल में आता है और उसके बाद दोबारा वापस चला जाता है, यानी यहाँ पर इसके एज टाइप का बनता है लेकिन वो स्मूथ एज होता है, यानी इसे यूं किया और उसके बाद इसे आगे ले गया। तो ये अलिफ से लेकर ये तक हम सीख चुके हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं हरूफ को जोड़कर मुख्तलिफ किस तरह से अल्फाज बनाए जाते हैं वो सीखेंगे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।